नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम आहिं पूजा। देश सेवा के ही जज्बा लय के युवा सेना में भर्ती हो थमा, पर एक ऐसा मामला सामने आवा है जोने में ही एक देश रक्षक अपने सेवा भावने में संदेह लाए दिन। लौर थाना क्षेत्र के गोरहा गांव के रहाय वाले पुष्पेंद्र यादव इस समय में ही जबलपुर में तैनात हमा। पर ऐसा लागत हवे कि देश के सेवा करे के शपथ ले के साथ साथ लोगन का चूनव लगावे के शपथ लिहिन है। एक फौजी होए के नाते लोग उन पर विश्वास करें, तय विश्वास के फायदा उठाए के 2 करोड़ रुपया के ठगी के मारे पैसा दुगुना करे के फेर माही लोग उनका अपन कमाई दे दी। लेकिन ओके बाद जो उन बात सामने आई ओके बाद उनकर खटिया सरक गए और मामला पुलिस तक पहुंचेगा। अपना देखी और यह जानी कि ऐसा पैसा दुगुनी करे के कोनो स्कीम नहीं हो दिया है। यही से सजग रही और यह में केहू के बात माँ सोच समझ के अपन पूंजी फंसाई। अपनो देखी और जानी कि ऐसा पैसा दुगुनी करे के कोनो स्कीम नहीं हो। यही से सजग रही और यह में के केहू के बात माँ न आई सोच समझ के अपन पूंजी फंसाई। रीवा माही लोकायुक्त SP गोपाल सिंह धाकड़ धड़ाधड़ कार्रवाई कर ला हम। उनकर अगली कार्रवाई माही गाजगिरी हवे पटवारी ललित शर्मा के ऊपर। अपना का बताई कि ललित शर्मा शाहपुर हल्का माही पटवारी हम जो 4000 रुपया के रिश्वत ले तहसील परिसर में पकड़े गए हम वहा रगे हाथ। अब रेस्ट हाउस माही कार्रवाई चल रहा है। देखी सलगा मामला। पोस्ट रामपुर थाना नहीं बोली। पटवारी क्या नाम है? पटवारी का ललित शर्मा। कितना रुपए मांग की गई थी आपसे? पहले 1000 दिए थे, फिर 500 दिए थे, फिर आज 4000 दिए हैं। ग्राम शाहपुरा निवासी राम कैलाश सहकार साकेत ने शिकायत की थी कि उसके जमीन का सीमांकन और नक्शा तरमीम करने के लिए पटवारी ललित शर्मा द्वारा 10000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इसमें विनती करने पर उसके द्वारा 4000 रुपए की शिकायत देने पर बातचीत तय हुई थी। बुलेटिन के अगली खबर हवाई सतना के बड़ा गाँव से, जो निवाही महिला कुसुमबाई खाना बनावत समय झुलस गई, जिनका अस्पताल में ले जावेगा लेकिन डॉक्टर उनका मृत घोषित कर दी। नहीं अपना सुनी परिजन घटना माँ का बताए। पूरा क्या मामला रायपुर करचुलियान माही प्रेम मा बूढ़ी युवक प्रेमिका के शादी का रुकवावे खातिर पहले तक वीडियो बनाए के आत्महत्या करे के धमकी दे, पर जब एहू से बात नहीं बनी तब प्रेमिका के बारात मा कट्टा लेके चल दे। युवक विमलेश मिश्रा नवा गांव के रहैया है। जब गली माही उनका रोके के कोशिश करीन तो युवक गोली चला दिन, जौने से विश्वनाथ तिवारी के पैर में गोली लग गए। अब घायल का ही उपचार खातिर संजय गांधी में भर्ती किन करावागा है। बुलेटिन के अगली खबर हवे धोबिया टंकी के पास रहे वाले लल्लू बंसल के, जो अपने पत्नी मुन्नी देवी के साथ आए दिन पिटाई करा था और घर से निकाले और जान से मारे के धमकी दे था। ये मामला माही वो पहले एक बार जेल के हवा खाई चुके हैं, पर के बावजूद पीड़िता का परेशान कर रहे हैं। एक लाने पीड़िता कलेक्टर कार्यालय माही ज्ञापन दी नहीं वे। सुनी पीड़िता के का कहा वे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी बंसल। कहाँ से आई आप? रीवा से, धोबिया टंकी पास। कौन सा थाना लगता है? सिटी कोतवाली। बताए किस घटना की शिकायत करने आई हैं आज? हम ये शिकायत करने आए, हमारा पति आज 10 साल से हमको न खाना दे रहा न कपड़ा दे रहा न हमको दवाई इलाज देता। हमारी शुगर बीमारी मारते मारते पिक्चर कर डाला, दांत टूट गया, हाथ टूट गया, कपार में टाका लगा। रीवा के निपनिया माही नगर पालिका निगम साफ सफाई के खातिर जन जागरूकता के कार्यक्रम करें और लोगन का ही स्वच्छता के शपथ दिवाई गए। जोने माही वार्ड के इंजीनियर भारत प्रसाद तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश तिवारी उपस्थित रहे हम। देखी कार्यक्रम के झलकी। खाद बनाई जाती है अपने घर से निकलने वाले गीले कचरे से, हम क्या कर सकते हैं? खाद तैयार कर सकते हैं और अपने घर के पेड़ पौधों पर डाल सकते हैं, ठीक है ना? तो इस खाद को तैयार, यहाँ से गंदगी ज्यादा होती है, बदबू आने लगती है, जानवर आते हैं उसको खाने, तो क्या होगा अगर हम गीला और सूखा कर। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली। नमस्कार।